ओफो, और कितना खाओगी अब बस भी करो। देख नहीं रही वो कितना पतला हो गया, अपने भाई को खाने दो, तब से खाए जा रही है। लो बेटा मुंह खोलो। अब ठीक है, तुम कितना प्यार से खाते हो, बहुत अच्छा लगता है। पता है तुम्हारा खिलखिलाता हुआ चेहरा देखकर मुझे जीने की उम्मीद मिलती है। क्या हो गया, कहाँ जा रही हो? चुपचाप आके खाना खाओ वरना बाद में खाना नहीं मिलेगा। मुझे नहीं खाना, उसे ही खिलाओ। हद होती है, पता नहीं इसे अचानक क्या हो गया है। हाँ? अभी से इसका ये हाल है, पता नहीं आगे जाकर ये क्या गुल खिलाने वाली है। तुम्हें भूख लगी है? भूख लगी है तो जाके कुछ खा क्यों नहीं लेती? मैं कोरियन नूडल्स बनाने जा रही हूँ, खाओगे? नहीं, मुझे भूख नहीं है। पक्का ना? मैं एक ही प्लेट बनाऊंगी, बाद में उसमें चोंच मत मारना। मैंने कहा ना मेरा पेट भरा है। वो गूही, ये तो टेस्टी लग रहे हैं। क्या मुझे एक बाइट दोगी? मैंने पहले पूछा था तब तुमने मना किया। सिर्फ एक बाइट? नहीं दूंगी। सिर्फ एक बाइट दे दो ना। अच्छा एक ही बाइट लेना। वो एक बाइट नहीं है, थोड़ा कम लो, कम कम और कम। इससे तो मेरी चोंच भी गीली नहीं होगी। रुको, ये तो मेरा है, तुमने मना किया था, तुम नहीं खाओगे। अरे कैसी बहन हो, अपने भाई के साथ खाना बांट के नहीं खा सकती? जब देखो तब भुक्कड़ की तरह खाती रहती है। तुम्हारे लिए और नूडल्स बना दूं? नहीं, इतना काफी है, मेरा पेट भर गया। क्या है यार, ये मेरा था, मैंने अपने लिए बनाया था, तुमने सारा खा लिया। अरे तो इसमें इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत है? चाहो तो मैं तुम्हें नूडल्स बना के खिला देती हूँ ना। इस लड़की से मैं तंग आ गई हूँ। इस बात सिर्फ नूडल्स की नहीं है, मेरे साथ हमेशा ऐसा बर्ताव क्यों होता है? क्यों होता है ऐसा बर्ताव? तो तुम सिर्फ नूडल्स के लिए घर छोड़कर आई? बात सिर्फ नूडल्स की नहीं है, सिर्फ खाने की भी नहीं है। बात यह है कि मेरी मॉम सिर्फ मेरे भाई पर ही ध्यान देती हैं और प्यार करती हैं। तो क्या हुआ, वैसे भी तुम्हारा भाई हैंडसम और प्यारा है, काश मेरा भी कोई ऐसा भाई होता तो मैं बहुत लकी होती। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ अच्छे से पेश आता है, वो बिल्कुल अच्छा लड़का नहीं है, वो मेरा भाई है, मैं जानती हूँ। गुही, ये लो। अरे ये क्या है, तुम ये मेरे लिए लाए हो? वाह, आज तो कमाल हो गया, क्या है इसमें? खोल के देखो। आज तो कोई त्योहार भी नहीं है। इसे खाओ और अपने कमरे में चली जाना। क्यों? थोड़ी देर में मेरे फ्रेंड्स घर आने वाले हैं, तुम जैसी चुड़ैल को देख के वो डर जाएंगे। ये तो अच्छा मजाक है, तुम्हारा भाई भी काफी अच्छा मजाक करता है। गुही, तुमने तो मुझे डरा ही दिया, क्या है, नॉक करके नहीं आ सकते हो? तुम इतनी चौंकी हुई, क्या तुम अश्लील वीडियो देख रही हो? मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ, क्या है? मैं अपनी प्यारी बहन के लिए आइसक्रीम लाया हूँ, ये देखो। क्या बात, क्या है? ये वही लड़की है ना, ये तुम्हारे बहुत करीब थी ना, कुछ गायून। इतनी खूबसूरत लड़कियों के साथ फोटो मत खींचा करो, तुम एकदम चुड़ैल लगती हो। चुप रहो। क्या अब भी ये तुम्हारी फ्रेंड है? नहीं, अब हम फ्रेंड्स नहीं रहे, पता नहीं उसे क्या हो गया है। खैर छोड़ो, तुम जाओ यहाँ से। ठीक है, लेकिन मुझे इसमें से एक बाइट दो ना, मैंने तुम्हें पूरी आइसक्रीम दे दी और तुम एक बाइट के लिए इतना सोच रही हो। ठीक है, सिर्फ एक बाइट, ठीक है।
सिर्फ एक बाइट लेना। ये क्या किया तुमने? तुमने तो आधी से ज्यादा आइसक्रीम खा ली। मैंने कहा था एक ही बाइट लेना, पर तुमने तो आधी से ज्यादा खा ली। तुम ही खाओ इसे। जितना है उतना तो खा लो। ये हमेशा मेरे साथ ऐसा करता है। ये ऐसा क्यों है? आधी से ज्यादा आइसक्रीम खा गया। मैं क्या करूं? बहुत पानी जल्दी जाने वाला है, तुम्हें नहाना है तो जल्दी से नहा लो। हाँ। किंग हेजून। हेलो, ये लो, मैंने तुम्हारा फोन उठाया। आपका कॉल वॉइस मेल पे फॉरवर्ड किया जाता है, बीप के बाद इसका चार्ज लगेगा। धन्यवाद। ओहो, तुमने मेरा फोन क्यों उठाया? तुमने फोन पर बात की क्या? मैंने बात की। हेलो, क्या ये गुही का फोन है? हाँ, गुही का है। वो अभी नहाने गई है। तुम कौन बोल रहे हो? मैं गुही का खास हूँ। तुम कहाँ हो? मैं बेड पर हूँ। पागल कहीं के? क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया? झूठे! तुम अपनी छोटी बहन के फ्रेंड से ऐसे बात कैसे कर सकते हो? पागल हो क्या तुम? अरे मैंने झूठ नहीं बोला, जो मैंने बोला वो सच था। निकलो, निकलो यहाँ से, अभी के अभी निकलो, जाओ यहाँ से।